नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं तो क्या आपके पास कोई ऐसा अवसर आएगा जिसके द्वारा आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो सकती है? अगर कोई लोन चुकता करना चाह रहे थे तो क्या वो मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है या नहीं? या फिर इनकम के सोर्सेज में आपके कोई वृद्धि हो सकती है? करियर में कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं या नहीं? ये कुछ आम प्रश्न होते हैं जो अक्सर एज एन एस्ट्रोलॉजर लोग मुझसे जरूर पूछते हैं कि मैम, अब जो नया महीना शुरू होने वाला है उसमें कौन से ऐसे ग्रहों के प्रभाव हैं, कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं, और साथ के साथ कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें थोड़ा सा सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इन सभी बातों को, इन सभी टॉपिक्स को हम इन डिटेल कवर करेंगे। और सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जिनकी राशि बनती है मेष, यानी कि एरीज राशि। तो अगर आप अपनी कुंडली में एरीज जोडियाक से प्रभावित हैं, तो ऐसे में आपके लिए जुलाई का ये जो महीना है वो क्या कुछ खास विशेषताएं हैं जो लेकर आ रहा है, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे थोड़ा सा बचकर अगर आप चलते हैं तो आपके लिए ये जो समय है वो और भी ज्यादा बेहतर हो सकता है। सबसे पहले अगर हम गोचर यानी कि ट्रांजिट की बात करते हैं, तो ऐसे में एरीज राशि के जो भी जातक जातिकाएं हैं उनके लग्न में ही रूचक नाम का जो योग है वो बन रहा है, जिसके मंगल जब अपनी स्व राशि में होता है, मंगल क्योंकि एरीज में ही प्लेस्ड है तो आपके लिए रूचक योग जो है वो बन रहा है। और रूचक योग जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा योग जो है वो माना गया है। तो इस योग के चलते काफी ज्यादा लाभ जो है वो आप लोगों को इस समय के दौरान प्राप्त तो हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं, क्योंकि मंगल को एक अग्रेसिव और अग्नि तत्व प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, तो इसलिए कई बार ये भी देखा गया है कि मंगल के प्रभाव के चलते व्यक्ति जो होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा अहम, थोड़ा सा अहंकार जो है वो भी बढ़ सकता है। और आपका ये जो अहम और अहंकार है इस समय के दौरान आपको किन किन क्षेत्रों में क्षति पहुंचा सकता है, आपको हार्म कर सकता है, वो भी हम आपको आज बताने वाले हैं। और रेमेडी कौन सी है जो इस समय के दौरान आपको कर लेनी चाहिए ताकि ये सभी दिक्कतें जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान, उनसे कहीं ना कहीं आपका जो बचाव है वो हो जाए। धन की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के दिमाग में आता है वो यही होता है कि मैम, इनकम में क्या हमें वृद्धि मिल सकती है, ग्रोथ मिल सकती है, मनी धन अर्जित करने की क्या कोई नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ सकती है या नहीं। तो आपके लिए रूचक योग जो बन रहा है, सबसे पहले वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। आपके लग्न में ही ये योग बन रहा है और मंगल डायरेक्टली आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। फोर्थ भाव जो माना गया है वो आपके मटेरियलिस्टिक गेन्स का भाव माना गया है, यानी कि अगर आप प्रॉपर्टी बनाने की इच्छा रखते हैं, नया वाहन खरीदने की अगर आप इच्छा रखते हैं, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि और ग्रोथ की जो संभावना है वो इस समय जरूर दिख रही है। लेकिन शनि क्योंकि वक्रीय चाल भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से पैसा कमाने में आपको मेहनत जो है वो थोड़ी सी ज्यादा अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसका फल जो है वो भी आपको जरूर अवश्य मिलने देखने को मिलेगा इस समय के दौरान। तो ऐसे हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी एस्पेक्ट से आपके लिए ये जो जुलाई का महीना है वो काफी ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अगर आप हेल्दी हैं, आप फिट हैं, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली अगर आप तंदुरुस्त हैं, तभी आप धन अर्जित कर सकते हैं और तभी आप अपनी बाकी दिनचर्या जो है उसको अच्छे से पूरी तरीके से फुलफिल कर सकते हैं, अपनी ड्यूटीज को। तो हेल्थ, स्वास्थ्य की ओर हमें जरूर नजर डालनी चाहिए कि महीने, इस जुलाई के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। शनिदेव आपकी कुंडली के एकादश भाव में है, यानी कि आपकी 11th भाव में है, और 11th भाव में शनिदेव बैठ के डायरेक्टली तीसरी दृष्टि से आपके लग्न को देखते हैं। लग्न यानी कि कुंडली का पहला भाव जो होता है वो व्यक्ति की फिजिकल हेल्थ को दर्शाता है, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सोच को तो दर्शाता ही है, लेकिन आपकी फिजिकल बॉडी को दर्शाता है। और वक्रीय प्लैनेट और शनि देव क्योंकि सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट कंसिडर किए जाते हैं, एक तरीके से रोग को दर्शाते हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज जो है वो आपको इस समय थोड़ा सा जो शनि की दृष्टि है वो आपके हेल्थ पे, आपके स्वास्थ्य पे थोड़ी सी पीड़ा जो है वो जरूर डाल सकता है। तो इसके चलते आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे जो है वो हो सकता है, यानी कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, और उस दिक्कतों के चलते आपको बार बार जो है वो अपनी हेल्थ इश्यूज पे पैसा स्पेंड करना पड़ सकता है, यानी कि पैसा आप कमाएंगे लेकिन उसका जो खर्च है वो कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को ठीक होने पे जो आपका पैसा है वो काफी ज्यादा खर्च हो सकता है इस समय के दौरान।
रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं, आपके घर परिवार के साथ, आपके सहयोगियों के साथ, आपके मित्रों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, आप वो किस प्रकार का इस समय के दौरान रहने वाला है, उसकी ओर भी हम एक बार नजर डालते हैं। मंगल ग्रह जो है वो आपके लग्न में बैठा है और डायरेक्टली वो आपके फोर्थ हाउस को और सप्तम दृष्टि से आपके सेवंथ हाउस को देख रहा है। सेवंथ हाउस जो है वो आपके स्पाउस और आपके पार्टनर को दर्शाता है। और क्योंकि मंगल एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है यहाँ पर, तो कई बार ये भी देखा गया है कि ईगो क्लैशेस के चलते आपकी जो है आपके स्पाउस के साथ अनबन हो सकती है, यानी कि वो कुछ कहेंगे लेकिन आप उनकी बात सुनने को ही राजी नहीं होंगे और अपना थोड़ा सा दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अपने स्पाउस पर बना सकते हैं, जिसके चलते थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े जो है वो इस समय के दौरान बन सकते हैं। चतुर्दृष्टि से जब फोर्थ हाउस को देखेगा मंगल, तो क्योंकि ये माँ का भाव भी माना गया है, तो ऐसे में आपके माँ के साथ भी आपके जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा, अनबन, थोड़ी आपकी डोमिनेंस की वजह से कहीं ना कहीं माँ के साथ भी जो आपके संबंध हैं वो बिगड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं, आप कॉन्शियसली एफर्ट करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ आप ना बोले जिसके चलते आपके रिश्तों में तनाव की स्थिति आए, तो ये जो समय है वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। प्रेम जीवन की अगर हम बात करते हैं, लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ चुनौतियाँ इसमें भी आपको सामना इसमें करना पड़ सकता है। तो संवेदनशीलता से अगर आप अपनी बात रखेंगे और दूसरे की बात सुनने का प्रयास करेंगे, तो जुलाई का महीना जो है वो एरीज राशि के से प्रभावित जो भी व्यक्ति हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि रोचक योग जो है एक बलवान योग माना गया है, तो इसके चलते काफ़ी ज़्यादा लाभ जो है वो आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ कुछ कमियाँ जो इस महीने हमें दिख रही हैं उनको अगर आप ठीक कर लेते हैं, उनको अपनी समझदारी से अगर आप ओवरकम करने का प्रयास करते हैं, तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। करियर की अगर हम बात करते हैं, यानी कि अगर आप बिजनेस में हैं या आप जॉब में हैं, तो दोनों ही क्षेत्रों में आपके लिए क्या ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज इस महीने आने वाली हैं उनकी भी हम एक बारी बात कर लेते हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में ही वक्रीय हो रहे हैं 29 जून को। तो शनि जब अब ये वक्रीय चाल चलने लग गए हैं, तो उसका किस तरीके का प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट है, वो हर सिचुएशन को डिले कर देते हैं, हर सिचुएशन में धैर्य ले आते हैं। तो इसी वजह से अक्सर कहा गया है कि शनि का जहां भी प्रभाव आ जाता है उस एस्पेक्ट में, उस एरिया में स्लो ग्रोथ हो जाती है। आपकी कुंडली के दशम भाव जो कि प्रोफेशन का भाव माना गया है, वहाँ के स्वामी भी शनि हैं और वो अपने एकादश भाव में मूल त्रिकोण राशि में वक्री हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस समय के दौरान करियर के मामले में आपको थोड़ी सी स्लो ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। और साथ में शनि जो है वो आपके छठे भाव को भी दृष्टि दे रहे हैं, तो शनि जो है वो छठे भाव में अगर हम बात करते हैं आपकी कुंडली के, तो वहाँ पर केतु प्लेस्ड है ट्रांजिट के अनुसार। और केतु जो है वो अक्सर देखा गया है कि एक मौन प्लैनेट है, यानी कि गुप्त से जो कार्य है वो करवाता है, तो इस कारण ये देखा गया है कि कुछ आपके कंपेटिटर्स, आपके विरोधी जो हैं वो आपको इस समय के दौरान परेशान कर सकते हैं, और उन परेशानियों के चलते कहीं ना कहीं आपको इसका जो खामियाजा है वो अपने जॉब सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ से बचने का जो प्रयास है वो आपको इस समय के दौरान करना चाहिए। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया कि केतु जो है वो एक मौन प्लैनेट है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों के साथ आप अपनी दिल की बात शेयर करेंगे या जिन लोगों को आप अपनी कोई छुपी हुई बात बताएंगे, अपना कोई गुप्त राज बताएंगे, वो ही कहीं ना कहीं आपका जो राज है, वो ही कहीं ना कहीं आपका जो भेद है वो दूसरों के सामने खोल देंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा इस समय के दौरान आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी जो निजी बातें हैं, जो आप अपनी पर्सनल बातें हैं, वो किन लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और उनकी क्या एग्जैक्टली जो एक सोच है वो हो सकती है आपके प्रति, कहीं उनकी सोच आपको किसी भी प्रकार से हानि या क्षति पहुँचाना तो नहीं है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो ओवरऑल आपके लिए ये जो समय है जुलाई का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित हो सकता है। शुभ रंग कौन सा है, शुभ अंक कौन सा है जिसका आपको उपयोग करना चाहिए, और एक फायदेमंद उपाय कौन सा है जो आपको इस समय के दौरान जरूर कर लेना चाहिए, ताकि जो छोटी मोटी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है उनसे कहीं ना कहीं आप बाहर निकल सकें।
शुभ रंग की अगर हम बात करें तो आप रेड कलर की जो टोन्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे आप वो कपड़े पहन सकते हैं या फिर अगर आपका जो वर्किंग टेबल है, वर्किंग डेस्क है, वहाँ पे किसी न किसी प्रकार से इस कलर का एलिमेंट भी अगर आप ऐड करते हैं, या फिर एक रेड कलर का स्क्वायर कपड़ा जो है उसको भी अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं तो उससे भी ये जो मंगल की एनर्जीज है वो इन्हांस होती है और आपके लिए मंगल ग्रह जो है, क्योंकि वो आपकी राशि का स्वामी है, तो उसका अच्छा फायदा जो है वो आपको इस समय के दौरान मिल सकता है। शुभ अंक की अगर हम बात करें तो आपके लिए वो 3 अंक रहने वाला है। 3 अंक को अगर आप एक व्हाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से 3 अंक को लिख के अपने वॉलेट, पर्स, बैग में कहीं पे भी कैरी करते हैं, या फिर अगर आप सिंदूर, लाल सिंदूर से भी 3 रंग को लिख कर अपने पास इस पर्ची को रखते हैं, तो काफी ज्यादा लाभदायक फायदा जो है वो आपको इस ट्रांजिट के अनुसार और आपको इस जुलाई के महीने में जो है वो मिल सकता है। उपाय कौन सा है जो आपको एक कर लेना चाहिए? शनिवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो काफी ज्यादा लाभ आपको मिलता है। पीपल का जो पौधा है वो आपको प्लांट करना चाहिए किसी खुले मैदान में शनिवार के दिन। इस रेमेडी को अगर आप करते हैं तो शनि के गोचर के द्वारा और साथ के साथ ये जो मंगल का प्रभाव है उसका अच्छा रिजल्ट जो है वो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। जो भी हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, डिलेज आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस समय के दौरान, उन सभी से आपको छुटकारा प्राप्त होता है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जुलाई के महीने में आपको अपने साथ रखनी है, आपको इनकी एनर्जीज कैरी करनी है, ताकि आपके लिए जुलाई का ये जो महीना है वो और भी ज़्यादा स्पेशल और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। मेरा नाम है सावी सिंह, नमस्कार।